हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें सपने में भैरव बाबा जी खून पीते हुए दिखाई देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, यदि हमारे सपने में किसी भी भगवान या देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो वो सपना हमारे लिए ज्यादातर शुभ संकेत ही देता है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने उन देवी देवताओं के दर्शन अपने सपने में किस अवस्था में किए हैं और किस समय किए हैं। वैसे दोस्तों, रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक देखे गए सपनों का हमें कोई ना कोई फल जरूर मिलता है, और यदि वो सपना ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया है यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, तो उस सपने का फल हमें बहुत ही जल्द मिलता है। वहीं यदि हमने कोई सपना दोपहर में देखा है तो उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही कम सपने हैं जो दोपहर में देखने पर अपना प्रभाव हम पर छोड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमें सपने में भैरव बाबा जी खून पीते हुए दिखाई देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह का सपना देखकर आपको पागलों की तरह बेचैन नहीं होना है। दोस्तों, अगर आपके सपने में भैरव बाबा आपके शत्रु का खून पीते हुए दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इस सपने का मतलब है कि जल्दी आपके शत्रु बर्बाद होने वाले हैं, उनके ऊपर भैरव बाबा कहर बनके टूटने वाले हैं। आपके शत्रुओं का ऐसा हाल होने वाला है कि उनकी 3-4 पीढ़ियां किसी का बुरा करने के बारे में सोचेगी भी नहीं, करना तो दूर की बात है। दोस्तों, अगर आपको भैरव बाबा जी आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य का खून पीते दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इस सपने का मतलब है कि जल्दी आपके या फिर आपके परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपदा आने वाली है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा और इस विपदा से बचने के लिए भैरव बाबा के मंदिर में उनके दर्शन करने जरूर जाएं और अपनी सभी गलतियों की उनसे नाक रगड़कर माफी मांगे। ऐसा करने से भैरव बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको क्षमा कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपको भी सपने में भैरव बाबा जी खून पीते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर इससे अलग कोई सपना आपको दिखाई दिया है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।